सो गाइस यार आज की शुरू में हम लेकर अलग अलग ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक जिसे गाइस हम पीने के काम में लेते हैं, लेकिन गाइस आज की शुरू में इसे पीने वाले नहीं, हम इसे काट कर खाने वाले हैं। इसके लिए हम लेकर गए गाइस जेली पाउडर। तो आइडिया है कि अपन क्या करेंगे, इन सभी कोल्ड ड्रिंक्स की जेली बनाकर देखने वाले हैं वो किस तरीके से बनती है और फिर उसे टेस्ट करके देखेंगे। तो चलो गाइस सबसे पहले इसको गर्म करते हैं। इसके लिए गाइस हम लेकर गए भट्टी और ये बर्तन। इस बर्तन में हम कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं और फिर इसमें मिला देंगे पाउडर। तो गाइस सबसे पहले थम्सअप के बनाते हैं अपन। तो ये थम्सअप की बोतल खुल रही है देखो गाइस, और इस बर्तन में इसको डाल देते हैं। गाइस देखो थम्सअप बर्तन में निकल चुकी है, अब हमारी भट्टी को ऑन कर देते हैं। गाइस भट्टी ऑन हो गई है, अब इसे कुछ देर अपन गर्म होने देते हैं। गाइस जैसे ही ये उबलने लग जाएगी इसको थोड़ा बहुत ठंडा करके इसमें अपन जेली पाउडर मिला देंगे। सो गाइस यार आप देख रहे हैं जो थम्सअप उबलने लग गई है, भट्टी को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा बहुत ठंडा करके इसमें मिलाते हैं पाउडर। गाइस देखो फुल गर्म हो गया, और गाइस देखो ये अगर अगर जेली पाउडर गाइस देखो मतलब बहुत महंगा पाउडर गाइस, ये 450 रुपये का 100 ग्राम आया ओनली गाइस देखो। तो अपन क्या करते हैं इस सारे कोल्ड ड्रिंक के अंदर ओनली फॉर 1.5 या 2 चम्मच मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाना गाइस ये। तो इसे थोड़ा बहुत ठंडा होने देते हैं। गाइस देखो कुछ इस तरीके का ये पाउडर है। तो देखो गाइस अपन इसके अंदर क्या करते हैं 2 चम्मच मिला देते हैं, ये एक और ये 2 चम्मच, और इसे अच्छी तरीके से मिला देते हैं गाइस देखो। गाइस आप देख रहे हैं कि जो जेली पाउडर बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल गया है, अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इसके लिए गाइस देखो हम लेकर गए ये बीकर, इस बीकर में इसको डाल देंगे। गाइस देखो जो कोल्ड ड्रिंक थी काफ़ी मतलब जाडी हो गई है, गाइस इस बर्तन में तो इतनी से आ रही है। एक दूसरा बर्तन और लेते हैं इसके लिए। एक गाइस अपन क्या करते हैं इस स्टील की गिलास में भी डाल देते हैं, क्योंकि जो बाद में इनके जमने के बाद में इन्हीं के आकार में बन जाएगी ये। गाइस देखो मतलब कि जो थम्सअप थी 2 बर्तन में आ गई है, एक तो अपने ये बीकर में डाल दिए, एक गिलास में डाल दिए। अब नेक्स्ट गाइस अपन लेते हैं माजा, इस माजा की भी अपन जेली बना के देखने वाले हैं। तो इसे अपन बर्तन में डालते हैं पहले, इतनी सी माजा बहुत है गाइस, अब इसे गर्म होने देते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं थम्सअप और माजा की जो जेली बन के रेडी है, अपन ने इसको बेकर में निकाल लिया देखो अलग अलग बर्तन में, और अब लास्ट बची गई इस कोका कोला। लेकिन इस कोका कोला की हम सोच रहे हैं कुछ इसको अलग ही शेप दिया जाए, जैसे ही बोतल में आई है तो इसको बोतल का शेप दिया जाए, क्योंकि जिस बर्तन में डालेंगे जेली उसी शेप में हो जाएगी। तो इसके लिए गाइस देखो हमने क्या करा है, जो ये 2 कोका कोला खाली बोतल थी इनको गाइस देखो इस तरीके से काट दिया है, ताकि मतलब इसमें शेप बनने के बाद में उसको आसानी से निकाल सके। इसको देखो गाइस ग्लू गन से इधर से चिपका दिया, और इसको गाइस देखो खड़ी काटा है तो इधर से चिपका दिया। तो अपन इन दोनों बोतल को गर्म करके फिर इसमें डाल देंगे। तो चलो फिर इनको गर्म कर लेते हैं। गाइस यार आप कमेंट करके बताना कि तुम्हारा आइडिया वर्क करेगा नहीं करेगा, क्या जेली बन पाएगी नहीं बन पाएगी, क्योंकि गाइस हमें तो पता नहीं है, किसी ने बनाया हो तो वो भी कमेंट कर देना किसी ने पहले बनाया हो तो। तो गाइस थोड़ा बहुत इसे गर्म होने देते हैं और फिर मिलाएंगे इसके अंदर जेली पाउडर। गाइस देखो कोका कोला भी गर्म हो गई है, अब अपन भट्टी को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा बहुत ठंडा होने देंगे और इसमें मिलाते हैं पाउडर। गाइस कोका कोला की खुशबू आ रही है काफ़ी ख़तरनाक से, और जैसे जेली पाउडर मिल रहा है इसकी थोड़ी बहुत खुशबू चेंज हो गई है। और अभी से गाइस अपन क्या करेंगे सारी को मतलब कि फ्रीज के अंदर डाल देंगे, ताकि ये ठंडी जल्दी से हो जाए। तो आधे घंटे की मेहनत के बाद में ठंडी हो गई गाइस देखो, और इसे गाइस अपन पहले क्या करते हैं इस जार में डाल लेते हैं, और इस जार की सहायता से फिर बोतल में डाल लेंगे। गाइस देखो अभी से ही जेली बनने लग गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है देखो। गाइस यार हमने 2 बोतल कोका कोला ली थी, लेकिन गाइस देखो वापस एक बोतल ही भरी है, दूसरी बोतल के अंदर गाइस आधी बोतल ही रह गई, क्योंकि इसमें भी अपन ने क्या इतनी खाली थी तो इसको फुल भर दिए ताकि मतलब शेप अच्छा बन सके, और ये बोतल तो आधी रह गई। तो गाइस यार इसमें देख रहे हैं कि मतलब कि नीचे कोका कोला और ऊपर माजा है दोनों मिक्स हो गई है, मतलब मिक्स वाली जेली बनेगी। इसको गाइस ढक्कन बंद कर देते हैं इसका भी। गाइस देखो मतलब सारी मतलब की जो जेली है अपने अपने शेप में जा चुकी है गाइस, तो 2 बोतल हो गई है, एक ही गिलास हो गई है, बीकर हो गया और स्टील की गिलास हो गई है। इन सभी को गाइस थोड़ी देर अपन फ्रिज में रख देते हैं ताकि फटाफट से ठंडी हो जाए।
तो गाइस फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद हमारी जेली बन के तैयार हो चुकी है। देखो मतलब फ्रिज में से जस्ट निकाल के लाए हूँ, बहुत ठंडी हो गई है और देखो सारे मतलब अलग अलग शेप में बन गई है। इनको बाहर निकालते हैं, देखते हैं गाइस बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी। सबसे पहले स्टील वाले गिलास को बाहर निकालते हैं, इसमें गाइस जो हमारी थम्सअप थी गाइस तो बाहर नहीं आ रही, गाइस बुरी तरीके से चिपक गई है। अब देखो घूमने लग गई गाइस। गाइस देखो जेली किस तरीके से बनी है, इसको गाइस उठा सकते हैं। देखो इस स्टील के गिलास में गाइस जेली देखो काफ़ी अच्छी बनी है। अब दूसरे को निकालते हैं अपन, इसमें भी गाइस थम्सअप है। गाइस देखो बिकर निकल गया, इसमें भी शानदार जेली बन गई है। गाइस देखो हमारी जो थम्सअप थी देखो किस तरीके से हो गई है, ये 2 के अंदर थम्सअप है। अब निकालते हैं गाइस बोतल को, गाइस देखो बोतल वाले शेप में। गाइस देखो इसमें मिक्स में कोका कोला और माजा। बोतल बहुत मुश्किल से खुल रही थी इसलिए गाइस देखो अंदर से हमने दबा दी तो इस तरीके से हो गई है। तो इस तरीके से निकालते हैं बाहर, इसका शेप बिगड़ गया गाइस देखो। बाकी शेप ठीक निकले हैं, इस वाले जो जेली थी इसका शेप बिगड़ गया गाइस देखो। तो इसे साइड में रखते हैं और जो हमारे नेक्स्ट बोतल इसको खोलते हैं, देखते हैं क्योंकि इसको अपने बीच में से काटा तो हो सकता है इसमें से शेप निकल जाए। गाइस यार मतलब इसमें भी देखो 2 टुकड़े हो गए, बोतल थी देखो नीचे वाली अलग निकलेगी। गाइस देखो बोतल के शेप में बन गई है और ऊपर वाले को निकालते हैं। देखो गाइस ये भी शानदार निकली। गाइस देखो बोतल इसको वापस इस तरीके से जोड़ देते हैं। देखो गाइस और लास्ट एंड फाइनल बची गाइस देखो हमारी माजा, देखते हैं ये भी निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी गाइस, क्योंकि जो गिलास है बीच में से मोटी है ऊपर से मुँह सकड़ा है, फिर भी कोशिश करते हैं निकालने की। गाइस देखो ऐसा लग रहा है मैंगो काट दिया हो, जो हमारा मतलब कि इस वाले कप में थी गाइस देखो इस तरीके से निकली है, ऑलरेडी कट गई है जब जाके बाहर आई है गाइस देखो, और काफ़ी शानदार पीस लग रहा है गाइस देखो। तो चलो गाइस इसे काट कर टेस्ट करके देखते हैं, देखो गाइस किस तरीके से कट रही है। गाइस यार ऐसा लग रहा है मैंगो खा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा स्वाद आ रहा है और काफ़ी खतरनाक हो गाइस देखो जो हमारे गिलास है। देखो गाइस इधर बोतल और ये वाला गाइस मैंगो इस तरीके से बन गया। तो यार आप देख रहे हो जो जेली बन के रेडी है गाइस देखो अलग अलग शेप में बन गई है, जो हमने कोका कोला की बोतल का शेप बनाया था गाइस देखो बीच में से काट के उस तरीके से निकला बिल्कुल बोतल बन गई है गाइस देखो कोका कोला छोटी वाली, और जो हमने स्टील वाली गिलास बनाई थी गाइस देखो इस तरीके से बन गई पूरी स्टील वाली गिलास है, और जो बीकर था गाइस देखो बीकर वाला भी शानदार शेप बना, और जो गाइस जो गिलास थी स्टील वाली उसमें से गाइस काटने निकालना मैंगो वाली गाइस देखो इस तरीके से आई है बिल्कुल ऐसे लग रहा है मैंगो। देखो गाइस काट के दिखा रहा हूँ कितनी शानदार तरीके से गाइस देखो कोल्ड ड्रिंक कट रही है गाइस देखो, और अब गाइस इस बीकर वाले को काट के देखते हैं। देखो गाइस कितनी शानदार तरीके से कट रही है गाइस, कोल्ड ड्रिंक कट रही है आज मतलब कि रियल में आज हम कोल्ड ड्रिंक को काट के खा रहे हैं गाइस देखो, देखते हैं इसका स्वाद किस तरीके से आता है। गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मतलब कि जेली जो चॉकलेट आती है ना वैसे की वैसे बन गई है। तो गाइस आप कमेंट करके बताना कि जो हमने जेली बनाई आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।